शुरू होगी घरेलू विमान सेवा। रांची एयरपोर्ट से भी उड़ान भरेंगे प्लेन। रांची से नई दिल्ली, कोलकाता, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, हैदराबाद, रायपुर और राउरकेला के लिए शुरू हो रही है विमान सेवा। दरभंगा की ज्योति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से मिलने को इच्छुक। श्रीनगर में ईद के मौके पर मस्जिदें बंद है। जम्मू कश्मीर में ईद आज मनाई जा रही है। केरल में भी ईद की नमाज घरों में ही अदा कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। मुरादाबाद बुद्ध बाजार इलाके में एक गोदाम में भयंकर आग लगी। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड मौजूद। दिल्ली में ईद के पहले जामा मस्जिद इलाके में खरीदारी करते लोग। कर्नाटक में रविवार को पुनः लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान बेच रही दुकानों को खोलने की अनुमति है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1127 मौतें हुई। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 97048 हुआ। मस्कट से 177 यात्रियों की एक विशेष उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस आज कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि कई उपायों के बावजूद हमने वायरस पर काबू नहीं पाया है। उड़ीसा सरकार का दावा, अम्फान तूफान से बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। झारखंड के कोडरमा, रांची और सिमडेगा में कोविड 19 मामलों का आंकड़ा 350 पर पहुंच गया है, जिनमें 17 नए मामले शामिल हैं। राजधानी रांची रेड जोन से बाहर ऑरेंज जोन बना, उपायुक्त राय महापत्रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। हरियाणा में दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगी। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट।